हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे एक जगह बहुत आजकल पॉपुलर चल रही है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो या नागपुर के बाकी ब्लॉगर्स को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा, एक पिज़्ज़ा पराठा करके नई चीज़ नागपुर में किसने इंट्रोड्यूस की है, और आज हम वही ट्राई करने के लिए आए हैं VNIT के अपोजिट मेट्रो चाय पराठा कैफ़े। तो जैसे कि आपको पता है, मैं नॉनवेज ज़्यादा खाता हूँ रेगुलरली, इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हो तो यू गेट टू नो, और बट आप सबके कारण मुझे कभी कभी वेज खाना आना पड़ता है। और VNIT के अपोजिट ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, पराठे के, मोमोज़ के, चाइनीज़ के, चाट के, तो ऐसे ही इसलिए हम लोग आज मेट्रो पराठा सेंटर आए हैं। सो ये जगह सुबह खुल जाती है 8-8:30 बजे, उसके बाद 11-12 बजे तक ये जगह ये लोग बंद करते हैं, बट दे स्टार्ट अगेन एट 5 PM एंड दैट्स वाई वी आर हियर एट टुडे एट 5:30 PM, क्योंकि नागपुर का टेम्परेचर यार 47.6 तक जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है और 2013 के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट है, एंड इट्स अनबेरेबल आउटसाइड। इसलिए हम थोड़ा लेट आए हैं, अभी अंधेरा होने वाला है, एंड इट्स द परफेक्ट टाइम टू हैव पराठा, और लेट्स सी हाउ दिस प्लेस इज। गर्मी में गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पराठा खाने का भी अलग मज़ा होता है, और ये अभी हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपने जैसे कि वीडियो में देखा होगा, इन्होंने भर भर के इसमें लिक्विड चीज़ डाला है, तो आई वांट टू जस्ट ट्राई कि ये कैसा है। इन्होंने स्टफिंग में अंदर प्रोसेस चीज़ भी यूज़ किया है, तो
मैं बता नहीं सकता वीडियो में कि ये कितना अच्छा है, जितना दिखने में अच्छा है उतना ही खाने में भी वो अच्छा ही है, क्योंकि इन्होंने स्टफिंग के अंदर, बेस के अंदर भी इन्होंने प्रोसेस चीज़ डाला है और ऊपर से भर भर के लिक्विड चीज़ डाला है, एंड पनीर मेक्स एवरी बेस्ट डिश बेटर अकॉर्डिंग टू मी। अरे पौने साथ में ना अंधेरा नहीं होता प्लीज़। साथ है मेट्रो चाय पराठा कैफे की ओनर प्रियंका मैम, एंड आई वुड लाइक यू टू टेल मोर अबाउट द प्लेस। एक्चुअली मेट्रो, द मीनिंग ऑफ मेट्रो इन जर्मन इज अ चेंज फॉर गुड, एंड आई हैव जस्ट ब्रिंग दिस चेंज फॉर गुड एंड अ फूड आल्सो। आई एम सर्विंग अ हेल्दी फूड ऑन माय फूड ट्रक। एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड दिस फूड ट्रक 4 months बैक। इन मॉर्निंग वी स्टार्टेड एट 9 AM एंड क्लोज्ड इट एट 9 AM. In between we have a gap break for 3 to 5 and this afternoon. That's it. Thank you. ओके सो जैसे आपने बताया 9 AM टू 9 PM दिस प्लेस इज ओपन और 3 से 5 तक ये बंद रहती है, अदरवाइज यू कैन कम एनी टाइम बिट फॉर ब्रेकफास्ट और फॉर आर इवनिंग स्नैक, फॉर डिनर, फॉर लंच। और मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा पराठा बहुत अच्छा लगा विथ चीज़, विच इज़ फॉर जस्ट 110 rupees, और यू वोंट बिलीव क्योंकि उसमें 50 rupees का तो कम से कम चीज़ जा रहा है, उसमें 30 rupees का उसमें पनीर जा रहा है, तो आई थिंक कॉस्टिंग इज़ वेरी गुड 110 के हिसाब से, इट्स वेरी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन और एक जन के लिए सफिशियंट है, 2 जन भी खा सकते हैं। एज मैंने मेरे फ्रेंड के साथ शेयर किया है तो इवन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, टोटली वर्थ इट। और यहाँ पे आप लोग चाय भी पी सकते हो, इट्स बिकॉज मेट्रो चाय पराठा कैफे। मैं आज चाय नहीं पी रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू मोर प्लेसेस टूडे, पर आप जब आओ आप पिज़्ज़ा के साथ चाय ले सकते हो। वैसे भी बारिश का सीज़न आने वाला है एंड इवनिंग में बारिश के साथ चाय पीने का अलग ही मजा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वील बी बैक विद अनदर वीडियो एवरी वीक और मे बी 2 videos a week, लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट।